हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पॉम्पॉम्स ब्लॉग। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग ठीक हो और मैं भी ठीक हूँ। मैं आज आई हूँ, मेरे घर के पास एक नर्सरी है, उस नर्सरी में आई हूँ और ये पूरे के पूरे नर्सरी व्यू है। बहुत स्पीड से दिखा रही हूँ क्या क्या प्लांट है, वेराइटीज प्लांट है, बहुत सारे प्लांट है, वो दिखाने के लिए कोशिश कर रही हूँ। बहुत स्पीड में दिखा रही हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है, इस हिसाब से मुझे ज़्यादा देर नहीं रहना है यहाँ पर। फटाफट से प्लांट लेके घर जाना है और घर लेके जाने के बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग मेरे वीडियो बिना स्किप के स्टार्ट से एंड तक जरूर देखना और जो भी मेरे चैनल के लिए आज न्यू हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। हेलो गाइस, मैं घर पहुंच गई और जो भी प्लांट लाई हूँ मैं आप लोगों के साथ अभी शेयर करूँगी, आप लोगों को दिखाऊंगी और कौन सा प्लांट स्पेशली समर टाइम में घर में रखना चाहिए या लॉन्ग टाइम तक चले इतनी गर्मी में। तो मैं वही प्लांट लाई हूँ, ज़्यादा कुछ नहीं लाई हूँ और मेरा जो बालकनी है बहुत छोटा है, इस हिसाब से ज़्यादा प्लांट नहीं लाई हूँ और जगह भी नहीं है और वही मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो आप लोगों को एक एक दिखाऊंगी और फिर मैं कैसे प्लांटेशन करती हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप लोग वीडियो पे बिना स्किप किए बने रहो। ओके, आप लोगों को दिखाऊंगी मैं कौन सा प्लांट लाया हूँ नर्सरी से। ये है तुलसी प्लांट। ओके, तुलसी प्लांट हम लोग बहुत ज़्यादा मानते हैं और तुलसी प्लांट घर में होना चाहिए, है ना? तो इस हिसाब से मैं तुलसी प्लांट लाई हूँ और तुलसी पूजा करने से बहुत अच्छा होता है और खुद को अच्छा फील होता है और घर में पॉजिटिविटी एनर्जी होती है, तो तुलसी प्लांट घर में लगाना चाहिए। ओके, ये है मेरा पहला प्लांट और सेकेंड प्लांट है ये कौन सा प्लांट है? ये है मनी प्लांट है। ओके, और ये लाई हूँ मैं और ये है ऑलरेडी मेरे पास, एक है मेरे पीछे की साइड में है और फिर से मैं लाई हूँ। घर में जितना हो सके उतना मनी प्लांट लगाऊंगी ना तो भी मेरा मन नहीं भरता है, तो मुझे मनी प्लांट बहुत पसंद है। सेकंड मेरा प्लांट है मनी प्लांट। ओके, ये भी आप लोग लगा सकते हो, 12 महीने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, सूखेगा भी नहीं, कुछ नहीं होगा, जस्ट आप लोगों को थोड़ा सा केयर करना होता है, बस वो केयर करना आप लोग। और ये पानी में भी रख सकते हो, ऐसा नहीं कि मिट्टी में रखना चाहिए, पानी में भी रख के आप लोग इसको केयर कर सकते हो, पानी में ज़्यादा अच्छा इसका ग्रो अच्छा होता है मिट्टी से भी। तो मैं ये लाई हूँ। ओके, और नेक्स्ट है ये है, और ये प्लांट मुझे पता नहीं नाम क्या है, उनको पूछा था और उन्होंने बोला कि उनको भी नहीं पता, वो आंटी थी, आंटी को नहीं पता था और शायद अंकल को पता था लेकिन आंटी को नहीं पता था, इसके लिए उनको भी नहीं पता। और मुझे अच्छा लगा, इसमें दो कलर है, देखिए एक का वाइट टाइप है और ये ग्रीन टाइप है, इसके लिए मैं ये वाली लेके आई हूँ। तीसरा प्लांट ये है और ये सब इंडोर एंड आउटडोर दोनों साइड में आप लोग रख सकते हो, इसके लिए मैंने ये लेके आई। और थर्ड है दिस इज़ ये है 9 o'clock है, हम लोग 9 o'clock बोलते हैं और मतलब 9 बजे खिलते हैं ना, ये सबको पता है और बहुत लोग स्कूल टाइम बोलते हैं। तो ये फूल बहुत पसंद है मुझे, ये वाली प्लांट बहुत पसंद है क्योंकि ये ना मतलब आपके गार्डन में कुछ दूसरा प्लांट हो या ना हो, मतलब ये प्लांट आप रखोगी ना तो मतलब बहुत अच्छा शोभा देते हैं आपके गार्डन की, जो लुक्स है बहुत अच्छी देती है। और इसको ग्रो करने के लिए ज़्यादा आपको केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ईजिली हो जाती है ये, तो मुझे लगा कि इसका लेके जाओ और ये मुझे बहुत पसंद है। तो इसका 3 टाइप का लेके आए, ये ऑरेंज कलर का है, एक ये वाइट कलर का है और ये है पिंक कलर का, ठीक है। और उसके बाद लाई हूँ मैं ये है, इसके साथ और कुछ कुछ है छोटा छोटा अलग अलग प्लांट है, ये है जैट प्लांट भी है यहाँ पे और ये है बेल टाइप का है। ओके, और ये स्वीट पोटैटो प्लांट है, आप लोग घर में इसे भी डेकोरेशन के लिए भी सजा सकते हो, इसके लिए मैं लेके इसको बाद में मैं थोड़ा बेल टाइप सजाऊंगी मतलब। और यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बकेट देख रहे हो, ये ग्रीन कलर बकेट में मिट्टी भरा हुआ है, मतलब बहुत सारे मिट्टी में रखी हूँ यहाँ पे, जब भी मुझे कुछ प्लांट ऐसा लगाना होता है तो यहाँ से मैं मिट्टी लेके फिर लगाती हूँ। तो मैं यहाँ से मिट्टी लूँगी और जो भी इसमें ऑलरेडी गार्डन का जो मिट्टी है, गार्डन का जो सॉइल है वो ऑलरेडी है, तो वहाँ पे और यहाँ दोनों का मिक्स करके इकट्ठा करके मैं बनाऊंगी अभी। ओके, एकदम लास्ट में मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ ये है रोज प्लांट और स्पेशली जो आंटी थी ना गार्डन में, वो आंटी ने ना पॉम्पॉम को गिफ्ट दिया है ये रोज प्लांट, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर आंटी को बोला था ऐसे क्यों गिफ्ट दे रहा हूँ, बोला कि नहीं उनको चाहिए, उनको प्यार से दे रहा हूँ ऐसा। मेरी बच्चा थैंक यू आंटी को, बहुत बहुत थैंक यू मेरी तरफ से आंटी जी, और आपको आपने मुझे बहुत अच्छी एक प्लांट गिफ्ट दी, थैंक यू वेरी मच। बस मैं अभी प्लांटेशन चालू कर रही हूँ। ओके,
और अभी मैं ये खड़ी हूँ और सभी पानी दूंगी और आप लोगों को बोलने जाऊंगी कि मैंने कौन सा प्लान लगाया है। ठीक है, तो आइए देखिए कौन सा प्लान लगाया है और पानी डालूंगी आप लोग। ठीक है, और वीडियो देखिए।